मोदी जी सही से चला नहीं पाए देश को। कहा कि मोदी जी शासन नहीं कर पाए तो कौन कर पाए? मुझे तो पसंद है, अगर सही माने में देखा जाए ना तो दो ही है, विपक्ष में अगर देखा जाए तो प्रियंका और इधर देखा जाए तो योगी। दो तीन बातों से मैं पाकिस्तान से बहुत खपा हूँ। 150 बच्चे मारे थे एक साथ में, अब हाँ 150 बच्चे मरे थे स्कूल पे, हाँ आतंकवादियों ने वो गोली बरसाई थी उसमें, तो दो तीन काम वहाँ पे बड़े उल्टे हुए हैं। वो कौन से कुरान पढ़ने वाले, मेरी यही समझ में नहीं आता है। उसमें लिखा हुआ कलाम पाक में औरत और बच्चों पे जुर्म करने वाली की बख्शीश नहीं है वहाँ पे। धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ये धर्म क्या होता, मेरे तो यही समझ में नहीं आया। धर्म आपको नहीं पता? नहीं मुझे समझ, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ईश्वर समझ में आता है, बाकी कुछ समझ में नहीं आता। धर्म जैसे जो हम सब घूम के वहीं जाते हैं एक ही के पास, ममता बनर्जी भी तो वहीं जाएंगी घूम के। हाँ सब, तो फिर धर्म के आधार पर ओबीसी के कोटे से कुछ आरक्षण मुस्लिमों को क्यों दे रखा यार? वोट की राजनीति वहीं से शुरू हुआ है ना, आएगा कैसे? सारे जब धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया तो आएगा क्यों? सब वोट की राजनीति है, नेताओं की कुर्सी खतरे में है। अच्छा। राम का अल्लाह का सहारा लेते हैं। बहुत बढ़िया, तो ये मतलब कुर्सी के चक्कर में जो है लोगों को उल्टा सीधा पब्लिक को चूतिया बनाते हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए सब चाल चलते हैं। विदेश में कितना मकान ले लो, कितना योगी मोदी जी बहुत बढ़िया थे यार, योगी भी बढ़िया थे। अच्छी बात है कि बच्चे नहीं थे ये, इन्होंने कोई बैंक अगर इन पे भी होते ना तो ये भी लूट के विदेश में जमा कर देते। लेकिन नीचे के जो है नेता ना वो सही नहीं निकले, इन्होंने जो टिकट दिया था ना इधर उधर वो गलत दे दिया, टिकट बंटवारा हुआ है वो गलत है। योगी मोदी में क्या अच्छा है? कह रहे हैं हिंदू मुसलमान हो रहा है जब से आए हैं तब से। मैं कहता हूँ कितना भी हिंदू मुसलमान कर ले, लेकिन सबसे बड़ी बात है विदेश में पैसे तो इनके ये जमा नहीं करेंगे, विदेश में मकान में तो नहीं लेंगे, हमारा हमारे देश को कंगला तो नहीं करेंगे, सबसे वो करेंगे परेशान। कोई परेशान नहीं करेगा तुम्हें, परेशान नहीं कर रहा इधर बात, क्या परेशान नहीं कर रहा मुसलमानों को? आप नहीं बोल रहे क्या योगी जी? कुछ नहीं होता बोलने से, हमारे कौन से खड़े घोड़े खोल लेंगे, कोई बोलने से कुछ नहीं होता। बोले यार हाथी अपने रास्ते जाते, कुत्ते भौंक रहे भौंकने दो। अरे तुम एक बार बताओ, तुम्हारी बहू है ठीक है, तुम उसे 3 तलाक दो या 4 तलाक दो, तलाक का मतलब मोदी जी ने क्यों करा? अरे उनके कहने से कुरान हुआ तो, उनके कुछ कहने से कुरान, कोई कुरान का कोई नियम बदला? कुरान का मतलब कहने से कुछ नहीं होता, जुमलेबाजी होती है केवल वोट के लिए, हवा छोड़ देते हैं। तुम लोग बेफालतू परेशान होते हो, कहने से कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। भाई अगर कोई नियम है, कोई कानून है, व्यवस्था व्यवस्था, इस बार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है भाजपा की सीटें मिलेंगी 130-140 सीटें मिलेंगी, और इसके बाद भाजपा उसको छोड़ो वो क्लियर है। धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, धर्म के नाम पे किसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, सबको जो है देशभक्ति के नाम पे आरक्षण मिलना चाहिए। ममता बनर्जी 14 सालों से मुस्लिमों को ओबीसी में से आरक्षण दे रखी थी, हाई कोर्ट ने बदला है, सही है या गलत? भाजपा वाले जो ये लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों भाजपा वाले नहीं भर मैटर तो समझोगे भाई, का नाम क्या है? शादा मलिक। मलिक जी हम कह रहे हैं पहले मैटर तो समझो, 14 साल से ममता बनर्जी जी मुस्लिमों को ओबीसी में से आरक्षण दे रखा था, हाई कोर्ट ने उसको आज बदला है, हम उस पे कह रहे हैं धर्म के आधार पे आरक्षण होना चाहिए। देखो जो 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 काबिल है, जो जिस जो काबिल है उसको अपने हिसाब से होना चाहिए। मतलब आरक्षण का मतलब जिनको वंचित है, जो पिछड़े हैं उनको मिलना चाहिए, पिछड़ों को मिलना चाहिए, जो जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको मिलना चाहिए, धर्म के नाम पे किसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण जो ही है। चाचा ये बताया धर्म को जोड़कर राजनीति हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यार धर्म के नाम पे तो पीएम बने हैं, धर्म के नाम पे तो बने हैं हमारे मोदी जी, और किस पे बने हैं? हिंदू मुसलमान पे तो बने हैं। अच्छा, मतलब मोदी जी ही हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं या और कोई? वो नहीं करते, वो हवा अपने आप ही चल जाती है, वो क्यों करेंगे? मोदी जी को देखते ही हवा चल जाती है, वो ऐसा मुद्दा ही बन। कांग्रेस नहीं करती, बस इतना बता दें, कांग्रेस तो मीठा मीठा कब कड़ुआ कड़ुआ तू, कांग्रेस तो दोनों दल खिलाती है भाई। कांग्रेस ने तो आग लगाई थी, ये ताले तो उन्होंने खुलवाए थे, पूरी हिस्ट्री बड़ा करो, आग कांग्रेस ने ही लगाया और फंसा दिया दूसरे को। हाँ वो उन्होंने उठा लिया मुद्दा मंदिर मस्जिद का। अच्छा, इसका सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाएगा, मोदी जी को ही मिले सबसे ज्यादा फायदे। अगर मंदिर मस्जिद के मसले ना उठते तो आप पीएम बनते ही नहीं, फिर कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर बनता देश का पीएम? मतलब कांग्रेस मुद्दा उठाया लेकिन फायदा नहीं उठा पाया, मोदी जी ने उसका फायदा उठाया, यही कहना चाह रहे हैं।
मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सब बराबर है उनके लिए। मोदी जी ने कहा जरूर है यार, लेकिन मैंने कहा फिर ना, मोदी जी सही से चला नहीं पाए देश को। सबसे बड़ी बात तो है, इन्होंने नेताओं की पेंशन है ना मौजूद है, और पेंशन खा गए, औरों की बंद कर दी। तो कुछ मसले ऐसे हैं जिनसे जनता नाराज है। सिर्फ मोदी जी से बढ़िया कौन सा शासन चलाया, कौन चला? अटल जी बहुत बढ़िया। कौन चला सकता है अब अगर सही माने में देखा जाए? भैया देखने के बाद ही पता चले, पता नहीं उनकी तरह बोले मोदी जी की तरह 15 लाख दूंगा, पता चले गुल्लक फोड़वा के घर से पैसे निकलवा ले। भैया कुछ पता नहीं है, अभी तो सस्पेंस में, कोई उस पर खरा उतरे। मुझे आपका पसंद होगा ना, आपने कहा कि मोदी जी शासन नहीं कर पाए, तो कौन कर पाए? मुझे तो पसंद है, अगर सही माने में देखा जाए ना तो दो ही है। विपक्ष में अगर देखा जाए तो प्रियंका, और इधर देखा जाए तो योगी। योगी को तो लेकर हमेशा कहते रहे कि मुस्लिमों को लेकर खास करके उनका रूखा बन रहा है, बुलडोजर वगैरह के लिए योगी जी वोट पाने के लिए दो चार बातें ऐसी हवा छोड़ देते हैं। वो भी जो हाल मोदी जी का है ना, मोदी जी बड़ा प्यार करते हैं मुसलमानों से, दिखावे के लिए वोट के चक्कर में बेचारों को उल्टा सीधा बोलना पड़ता है। अंदर से तो बिरयानी खा के आए थे पाकिस्तान, सबको पता है। नहीं बिरयानी वाली तो बात नहीं मानेंगे, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी है मोदी जी। आप कह रहे हो बिरयानी खा के? अरे कोई यार, कोई जरूरी मीट वाली बिरयानी है उसकी नहीं बनती, सोयाबीन की। वो एडिटिंग वाले वीडियो देखी थी? नहीं, सोयाबीन की बिरयानी नहीं होती। गए थे मैंने सुना था पाकिस्तान, पाकिस्तान तो गए थे, सब जानता है, पूरा भारत जानता है, पाकिस्तान गए थे यार। एडिटिंग वाली वीडियो? अरे पाकिस्तान गए थे। चुपके से जाने का क्या मतलब है? चुपके से कहा, हल्ला करके गए, सब जाना पूरा दुनिया। जैसे अमेरिका जाते हैं, इधर उधर कहीं जाते हैं, सब पता चल जाता है। कोई प्लान थोड़ी ना था बतौर प्रधानमंत्री, उनका प्लान कोई थोड़ी ना कि जा रहे प्लान अचानक प्लान बन गया था तो चले गए थे। एक तरफ तो कहते हो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दूसरी तरफ वहाँ दौरा क्रिकेट मैच बनता, सब कुछ बनता वहाँ, बिल्कुल ही वो सही माने में पाकिस्तानी सही नहीं, उनसे रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। क्योंकि उन पाकिस्तान को सम्मान दिलाया इमरान खान ने, कटोरा लेके बेचारा इधर उधर पहुँच जाता था और उधर वर्ल्ड कप जितवा के लाया। ऐसे बंदों को नहीं छोड़ा, अपने देश के नहीं हुए तुम्हारे लिए क्या होंगे? पाकिस्तान इतना खतरनाक नहीं, ऐसे बंदों के पास मिलने ही नहीं चाहिए। फिर एक तरफ होता है कि भाई भाईचारा होना चाहिए, थोड़ा चारा नहीं, भाईचारा गलत बात है भाई। मुझे तो कहीं से और किसी से दोस्ती करो लेकिन पाकिस्तान से नहीं, अफगानिस्तान उससे बढ़िया है। अफगानिस्तान से तो है ही है। वो सिर्फ दो तीन बातों से मैं पाकिस्तान से बहुत खपा हूँ। 150 बच्चे मारे थे एक साथ में, अब हाँ 150 बच्चे मरे थे स्कूल पे, हाँ आतंकवादियों ने वो गोली बरसाई थी उसमें। तो दो तीन काम वहाँ पे बड़े उल्टे हुए हैं। वो कौन से कुरान पढ़ने वाले, मेरी यही समझ में नहीं आता है। उसमें लिखा हुआ कलाम पाक में, औरत और बच्चों पे जुर्म करने वाली की बख्शीश नहीं है वहाँ पे। जो गलत है वो तो गलत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।